गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कल रात से यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और सुबह भी थोड़ा सा मौसम वापस से बना हुआ था बारिश वाला। खैर आज था तो छुट्टी का दिन, लेकिन साथ ही में थे बहुत सारे काम। खैर डेली रूटीन हुआ हमारा स्टार्ट और सबसे पहले थोड़े से किचन के काम निपटाए और आज मॉर्निंग में हमें टाइमली पहुँचना था बैंक भी ज़रूरी काम निपटाने। खैर ब्रेकफास्ट का तो टाइम नहीं मिलना था, आके ही हमने ब्रेकफास्ट करना था, लेकिन जाने से पहले मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया था जिसमें आज मैंने सोचा था बनाने का इडली सांभर एंड नारियल की चटनी। अरहर दाल को थोड़ी देर पानी में भिगो के इसके अंदर मैंने डाल दिए थे पिसे हुए टमाटर, थोड़ा सा नमक, पानी और इसको रख दिया था बॉयल करने के लिए। जब तक दाल बॉयल हो रही थी नारियल की चटनी की मैंने तैयारी कर दी थी। डेसिकेटेड कोकोनट के अंदर डाल दिया था थोड़ा सा मिल्क और इसको भिगो के रख दिया था कम से कम 10-15 मिनट के लिए। दाल भी बॉयल हो गई थी, इसको अच्छे से कर लिया था मैश और नेक्स्ट इसके अंदर मैंने डाल दी थी सारी की सारी वेजिटेबल्स, गाजर, बीन्स और साथ ही में सीताफल। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के वापस से मैंने इसको रख दिया था बॉयल करने के लिए और इसको मैंने पकाया था कम से कम 2 विसल आने तक। प्रेशर कुकर को मैंने सारा प्रेशर रिलीज़ होने के बाद ही ओपन किया और सब्जियां सारी गल गई थी। इसके अंदर मैंने डाल दिया था थोड़ा सा इमली का पल्प और एक पैन में रेडी कर दिया था इसका तड़का। तड़के के लिए मैंने लिया था थोड़ा सा सरसों का तेल, कड़ी पत्ता, सरसों दाना, थोड़ी हींग और सांभर मसाला पाउडर। फाइनली सांभर का तड़का भी रेडी था। थोड़ी सी थिकनेस ज़्यादा लग रही थी मुझे सांभर की, तो इसके अंदर थोड़ा मैंने पानी बॉयल कर लिया था केटल में और इसको डाल दिया था सांभर के अंदर। थोड़ी देर इसको किया और बॉयल और बहुत ही टेम्पटिंग सा सांभर हो गया था रेडी। डेसिकेटेड कोकोनट भी रेडी था, सारा का सारा मिल्क एब्जॉर्ब हो ही गया था, तो बस इसको मैंने डाल दिया था मिक्सर ग्राइंडर में, थोड़ी सी हरी मिर्ची और साथ ही में थोड़ा सा भुना चना, नमक, इमली का पल्प, थोड़ा सा अदरक और पानी डाल के इसको मिक्सर ग्राइंडर में चलाया और बिल्कुल बढ़िया सी नारियल की चटनी भी हो गई थी रेडी। ऑलमोस्ट 75% ब्रेकफास्ट डन था, इडली आके ही बनानी थी, तो बस जल्दी से रेडी होके हम चल पड़े थे बैंक के लिए और आज बहुत तेज चल रही थी हवा। अब ये पैन के चलाओगे क्या गाड़ी? नहीं नहीं, तो मैं कुछ गड़बड़ लग रही हूँ कि नीचे, तो बंद कर देना कैब कर चले। नहीं मान रहे, नहीं रहे। अभी पेट्रोल भी भरवाना है, मम्मी ये गए, टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। पेट्रोल के बिना चलेगी तो कैब करके चल लेते हैं ना, तुम्हें जरूरी अभी लेना है। डॉक्टर से पहले पूछना चाहिए था कि मैं गाड़ी चला सकता हूँ, फिर तुम्हें चलानी चाहिए थी, अभी हम कैब करके जा सकते हैं। ऑलमोस्ट 1 महीने से गाड़ी नहीं चली थी और लास्ट टाइम भी पेट्रोल रिफिल भी नहीं कराया हुआ था, तो बहुत ही थोड़ा सा पेट्रोल था। फटाफट फिल कराया, बैंक का काम निपटाया और फाइनली हम वापस पहुंच गए घर। और घर आते ही मैंने स्टार्ट कर दी थी इडली की प्रिपरेशंस, और इडली मैंने बनाई थी दही और सूजी के मिक्सचर से। रवा इडली खाने में काफ़ी लाइट रहती है और हम तीनों को यही वाली इडली बहुत पसंद है, तो 15 से 20 मिनट में इडली भी हो गई थी रेडी और बिल्कुल सॉफ्ट बढ़िया सी बनी थी। और सही में अब लग रही थी बहुत तेज़ भूख, क्योंकि सुबह से बस फ्रूट खा के ही हम निकल गए थे। कैसी बनी है सांभर का साइज? वेजिटेबल्स फिनिश करना है, चटनी ले लो थोड़ी सी, थोड़ी सी ले लो, सब्जियां फिनिश नहीं करूँगा मैं। ब्रेकफास्ट के बाद काफ़ी टाइम नींद ने की पढ़ाई, थोड़ा रेस्ट भी किया और शाम को वापस से मौसम हो गया था बारिश का। आज डिनर में मैंने बनाने का सोचा था डोसा, लेकिन डोसे का बैटर मैंने बनाया था पोहा, सूजी और थोड़ी सी दही को मिक्स करके। 1:1 के रेशो में सबको किया मिक्स और थोड़ी देर सेट होने के लिए रख दिया और इसमें उतना ही मैंने डाल दिया था पानी। उत्तराखंड में, रणथंबोर राजस्थान में, कच्छ वाइल्डनेस एंड ये गुजरात के अंदर है। ये मार्किंग भी देख लो कहाँ कहाँ पे एरिया, ये कंट्री वर्क मतलब स्टेट लाइन है। ठीक। क्या नीर को वापस से किया बिजी पढ़ाई में और मैंने फटाफट से बना दिए थे आलू डोसे के साथ खाने के लिए। सांभर ऑलरेडी बना हुआ था और चटनी भी बनी हुई थी। आलू बहुत ही सिंपल से बनाए थे और इसके तड़के में मैंने यूज़ किया था सरसों दाना, थोड़ी सी हींग, प्याज और साथ ही में बेसिक मसाले। डोसे के बैटर के लिए मिक्सचर भी रेडी हो गया था, अराउंड 20 मिनट्स मैंने इसको ऐसे ही रख दिया था और फाइनली इसको डाला मिक्सर ग्राइंडर में, थोड़ा सा डाला पानी और बिल्कुल स्मूथ से मिक्सचर में इसको ग्राइंड कर लिया। और इसमें मैंने डाल दिया था थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा नमक और साथ ही में बहुत ही थोड़ा सा खाने वाला सोडा।
सब कुछ रेडी था, बस लास्ट चीज़ रह गई थी रेडी करने के लिए, वो था तवा। नॉर्मल तवे पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था और प्याज को उस पर अच्छे से रब कर दिया था ताकि डोसा चिपके ना। और ये वाला प्रोसेस मैंने हर डोसे के बाद किया था और इससे बिल्कुल भी डोसा स्टिक नहीं होता है। तवे को रखा था मीडियम हाई फ्लेम में और बढ़िया सा डोसा भी हो गया था रेडी और हमारा डिनर भी। किसके लिए? चटनी वाला चाहिए आपको? ये लेमन हनी टी। नहीं बच्चे नहीं पीते। नहीं बच्चे नहीं पीते बेटा। ये थोड़ी सी ग्लास में डाल के थोड़ी सी ना स्पून लेके आओ, इसी में से ले लो, स्पून लेके आओ, इसी में से स्पून से ले लो, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, गरम गरम होगी थोड़ा सा। हाँ बस इतना ही, बस 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 इतना ही लो। नहीं बेटा एक स्पून से ले लो, बस बस अब इसके बाद नहीं। यार कितनी अच्छी है। जाओ। टोटल 8 सब्जेक्ट हो रहे एग्जाम में। हाँ तो 8 ही है। तो एक तो वो क्या ना क्या चाहते हो समझ नहीं। मतलब टोटल 8 सब्जेक्ट आ रहे हैं, मतलब मेहनत कर रहे हैं 8 सब्जेक्ट तो पढ़ते ही हैं। तो फ्रेंच है आपकी, 5th से फ्रेंच है आपकी, फ्रेंच चूज करी थी ना आपने, कुछ आते हैं फ्रेंच के वर्ड्स? पूरी गैंग ने फ्रेंच भी ली है। माय नेम इज नीर को फ्रेंच में बोल। शमा पेल नीर। आपने मुझे पहले भी ये बताया भाई, यम्मा पेल, अम्मा पेल, यम्मा पेल, यम्मा पेल नीर, यम्मा पेल नीर, यम्मा पेल नीर। अरे यम्मा 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 पेल यम्मा 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 पेल नीर, वो यम्मा यम्मा पेल नीर, यम्मा पेल नीर, यम्मा जे हाबी थे इंडिया ऐसे कर। मैं इंडिया में रहता हूँ। ज़नफ़ा मतलब ज़नफ़ का मतलब 9, मतलब एज बता रहा हूँ। ज़नफ़ा अच्छा ठीक है, ये फ्रेंच का मेरी एज 9 है। मतलब जस्वी ब्यू जिस मतलब हम आपके खुद को एडिट, मतलब मैं हूँ ब्यूटीफुल हैंडसम, सॉरी जस्वी ब्यू जस्वी। हाँ फ्रेंच में जस्वी जस्वी यू जस्वी ब्यू ब्यू जस्वी ब्यू हैंडसम को ब्यू में ब्यू बोलते हैं। और ब्यूटीफुल मदाम, पहले हमें लगता बॉन्जो बदाम, बदाम नहीं मदाम मतलब मैडम। बॉन्जो मतलब जैसे गुड मॉर्निंग, बॉन्जो मदाम मतलब ग्रीटिंग करना, ग्रीटिंग सैल्यूटेशन होता है, लेस सैल्यूटेशंस। अच्छा सिल्वू प्ले मतलब प्लीज, हम रिक्वेस्ट कर ले प्लीज। वो स्टेशनरी होती है जैसे लीवर मतलब बुक, काये मतलब नोटबुक, स्टीलो मतलब पेन, क्रेयॉन मतलब पेंसिल। मतलब फ्रेंच आपने क्यों चूज करी? लेकिन व्हाट इज फ्रेंच? दुनिया की सेकंड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है। और फर्स्ट क्या है? इंग्लिश। होल वर्ल्ड नोज इंग्लिश फ्रेंच। आपने क्या सोच के लिए कोई? तो सबसे पहले फ्रेंच इजी भी है और दूसरी बात फ्रेंच दुनिया की सेकंड मोस्ट पॉपुलर है। और जर्मन? जर्मन चलो सेकंड वन, लेकिन इजी नहीं है जर्मन, मुश्किल है? देखो दोनों ही मुश्किल है। जो ऐसा इंडियन हो, इंडियन मस्त जो हिंदी पंजाबी बोलता फिरता है वो, उसको फ्रेंच जर्मन दोनों ही मुश्किल लगेगी। पंजाब का फ्रेंच सीखे तो वो क्या होगा? वो तो बोल देगा वो जमा पड़ा ना ऐसे बोल देगा वो मैं कई फ्रेंच एंड पंजाबी मिक्स हो जाएगी। हाँ। आपको हिंदी तो आती है, पढ़ने की जरूरत है। कहने का मतलब है हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी प्लस फ्रेंच होगी, हिंदी से नहीं छुटकारा मिलने वाला। अगर ये चार ऑप्शन होते हैं पंजाबी ले लेते आप? संस्कृत फ्रेंच जर्मन पंजाबी, पंजाबी लेते। फ्रेंच के आगे पंजाबी ले लेते आप? पंजाबी ले लेता हूँ। पंजाबी होकर पंजाबी नहीं आती तो आप नाना को बोल सकते, नाना सिखा देंगे आपको पंजाबी। में थोड़े से अच्छा मैं पंजाबी में वो मेरा नीरा तुड्डा ना के पंजाबी के एक्सेंट मतलब वो होते हैं ना मस्त, बिल्कुल वैसे बोल देता हूँ। सबसे ऊपर माइनक्राफ्ट वाला लगा, माइनक्राफ्ट नीचे पिज्जा वाला, पिज्जा वाला स्टिकर ना आप अपने टम्मी में लगा लो, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चश्मे क्या कह रहे हो? और मम्मा अपने मुंह पे लगा ले ताकि चुप रहे, ठीक है? मेरे को सब सुनाई देता है, ठीक है? एक काम करती हूँ मैं, अपने हाथ में लगा लेती हूँ ताकि मेरे हाथ ना चले और मैं खाना वाना कुछ ना बना पाऊँ आपके, वो ज्यादा बेटर रहेगा। मेरे हाथ पे लगा दो, दो हाथ बंद कर, उंगलियों पे लगा दो, ठीक है? जाओ रख के आओ उसको। हाँ
रख के आओ ऊपर वो टोकरी पे आलू रखते ना वही। हाँ जाओ जल्दी रख के आओ। बस ऐसे ही था आज का हमारा बिजी बिजी सा डे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गुड बाय।